इस वक्त हम हैं गांव टिंगसरा में और गांव टिंगसरा से सरपंच पद उम्मीदवार के तौर पर हमारे साथ हैं सुभाष मूंड जी। सुभाष मूंड वैसे भी समाज से भी रहे हैं, गौशाला में चाहे हो चाहे गांव की किसी भी समस्या से लेकर कहीं भी कोई संघर्ष की बात आई हो तो सुभाष मूंड का चेहरा हमें हमेशा देखने को मिला है और ये लोगों के साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में सहयोग के रूप में भी रहे हैं। सुभाष जी आप अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हो, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अभी इन चुनाव प्रचार में जो सरपंच उम्मीदवार के तौर पर लगे तो आपका मुकाबला किसके साथ है? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं, जनता ने भारी समर्थन दे रखे हैं, बहुत ज्यादा दिल से दुआएं दे रहे हैं। अभी हमने भी गांव का दौरा किया और हम भी गांव जाके हैं तो अनेक अनेक उम्मीदवारों के यहाँ इश्तिहार भी लगे हुए हैं, पोस्टर भी लगे हैं, आपका कहीं भी कोई पोस्टर या इश्तिहार अब तक नजर नहीं आया? मेरे इश्तिहार लोगों के दिलों में लगे हुए हैं और लोगों को दिली हमदर्दी है मेरी तरफ, तो मैं समझता हूँ लोगों के दिलों में जगह होनी चाहिए आदमी के लिए, इश्तिहार कोई बड़ी चीज नहीं और मैं जल्दी लगवा दूंगा, कोई बात नहीं, ऐसी अगर बात है तो जल्द से जल्द इसका प्रबंध कर देंगे। गाँव में इश्तिहार लगाने की बात कही, यही भाईचारा बनाकर चलने वाले हैं तो गाँव में भाईचारा बनकर रहे, अच्छा शांतिपूर्वक माहौल बना रहे, इसको लेकर आपके कैसे प्रयास रहेंगे और चुनाव जो आप लड़ रहे हैं उसमें आपका कैसा उम्मीदवारी के तौर पर लड़ रहे हैं, आपने कोई जन मुद्दे भी लिए होंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा भैया सबसे पहला गांव जो आसपास का एरिया या मेरा गांव है यहां पर जो समस्या है सबसे बड़ी वो नशे की, तो मेरा मुद्दा रहेगा भी जो भी मेरे नौजवान साथी अपना साध्य जीवन से भटक गए हैं उनको मैं मुख्य धारा में लाने का प्रयास करूंगा और ऐसा मैंने प्रयास पहले भी किया है और ऐसी संस्थाओं के साथ मैं जुड़े हुआ हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ भाई, वो जो भी नौजवान साथी हैं जिनमें लत बुरी लग गई है उनको वापिस मुख्य धारा में जोड़ा जाए और जो भी काम है स्कूल है या खेल का ग्राउंड है खेल से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ, तो खेल के साथ अगर बच्चे जुड़ेंगे तो वो शायद नशे की तरफ नहीं जाएंगे, मेरा मुख्य फोकस खेल के ऊपर रहेगा। स्कूलों में जो है बढ़िया टीचरों का प्रबंध कराएंगे ताकि शिक्षा है वो बढ़िया हो सके, सुचारू रूप से चल सके। ये थे हमारे साथ सुभाष मूंड जी, इन्होंने अच्छी जानकारी दी, आपको कैसी लगी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, धन्यवाद।